लोक आस्था का महापर्व छठ में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। पहले दिन नहाए खाए में छठ व्रती कद्दू खाती हैं। देवघर के सब्जी मार्केट में कद्दू की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। बाजार में कद्दू 30 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक बिका। छठ के लिए ले जा रहा अपना घर में कद्दू, आप हाथ चलता है जो परंपरा चला आया है, इसीलिए तो उससे 10-5 रुपए अंतर है, 50-40 रुपए बिक रहा, पहले भी 40 बिकता था, तो आदमी स्थिति का जैसा अपना समय पास कर रहा है वही खरीदारी कम वैसी कर रहा है। नहाए खाए के दिन कद्दू खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि कद्दू पवित्र और सात्विक भोजन है, जिस वजह से छठ व्रती इसे ग्रहण करती हैं। कल से कद्दू का शुरू हो जाएगा, 3 दिन का महा छठ पर्व है जो पवित्र पर्व माना जाता है। अच्छा, कद्दू भात खाया जाता है, छठ पर्व कल से शुरू हो जाएगा। पवित्रता और शुद्धता का ख्याल रखते हुए लोग आस्था के इस महापर्व में जुट गए हैं। बाजार से लेकर घर और छठ घाट तक हर तरफ छठ की रौनक नजर आ रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।